जगदलपुर में छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर NMDC भर्ती प्रक्रिया में बस्तरवासियों को प्राथमिकता देने की मांग की है। केंद्रीय इस्पात मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आने वाली कंपनी NMDC लिमिटेड ने अपने नगरनार स्थित इस्पात संयंत्र के सिंटर प्लांट, कोक ओवन, ब्लास्ट फर्नेस, बाय प्रोडक्ट प्लांट, ऑक्सीजन प्लांट समेत संयंत्र के अनेक क्षेत्र संचालन के लिए जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर समेत विभिन्न 45 पदों हेतु 11 जनवरी 2024 को नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन आमंत्रित किया है और इन सभी पदों के लिए बीटेक डिग्री होल्डर न्यूनतम योग्यता रखी गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर NMDC भर्ती प्रक्रिया में बस्तरवासियों को प्राथमिकता देने की मांग की है। रिक्त पदों को भरने के लिए ऑल इंडिया लेवल पर देश के विभिन्न राज्यों से NMDC आवेदन आमंत्रित कर रही है, जो कि सीधे तौर पर बस्तर के स्थानीय बेरोजगारों की उपेक्षा को दर्शा रहा है। बस्तरवासियों की मांग है स्थानीय युवाओं को इस में प्राथमिकता दी जाए। नोटिफिकेशन जारी करके NMDC के द्वारा जो नगरनार स्टील प्लांट है उसमें 45 पदों का जो है वैकेंसी निकाले, उस वैकेंसी में किसी प्रकार का ST SC OBC के लिए किसी प्रकार का रोस्टर का पालन किया नहीं गया और इस प्रकार जो है वहाँ पर स्थानीय लोगों की जो नियुक्ति होनी चाहिए उसको दरकिनार करके जो अधिकारी हैं NMDC के उनके द्वारा जो है आदिवासियों को, अनुसूचित जाति के लोगों को, बैकवर्ड क्लास के लोगों को डार्क में रख के सामान्य वर्ग के लोगों को भर्ती करने की जो साजिश NMDC के अधिकारी लोग कर रहे हैं तो ये जायज नहीं है। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ये मांग करता है कि ये जो नोटिफिकेशन जारी करके 45 पदों का जो वैकेंसी निकाला गया है उसे निरस्त किया जाए और रोस्टर का पालन करते हुए आदिवासियों के लिए कितनी सीटें होनी, अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें होनी, बैकवर्ड के लिए कितनी सीटें होनी, अन्य लोगों के लिए कितनी सीटें हो इसका निर्धारण करके ही नियुक्तियाँ की जानी चाहिए। किंतु NMDC या नगरनार स्टील प्लांट का जो प्रशासन है वो इसका पालन नहीं कर रहा है, जिसके कारण जो ना ये आगे स्थानीय जो बेरोजगार नवयुवक हैं, चाहे आदिवासी हो, चाहे गैर आदिवासी हो, चाहे बैकवर्ड क्लास के हो, ये लोगों को जो है के साथ धोखाधड़ी ये प्लांट के द्वारा किया जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम आशा करते हैं कि NMDC प्रशासन इस नियुक्तियों के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसे निरस्त करें और रोस्टर के आधार पर नोटिफिकेशन जारी करके नियुक्तियां करें, ये हमारी मांग है। इसी का ज्ञापन हमने माननीय मुख्यमंत्री को 26 तारीख के हमने दिया है, तो आशा है कि मुख्यमंत्री जी भी इस पर संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई करेंगे। और इसके अलावा भी हमने स्थानीय जो बस्तर जिले के कलेक्टर हैं उनको भी आवेदन दिया हुआ है और कमिश्नर साहब को भी, बस्तर संभाग के कमिश्नर को भी हमने आवेदन दिया हुआ है। आशा है ये लोग भी संज्ञान लेते हुए इस पर कार्रवाई करेंगे।